गुड मॉर्निंग क्लास, आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 2B। इसमें क्वेश्चन दिया कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। एक्सरसाइज 2B मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आप किसी भी नंबर इस फॉर्मूले को k × 10⁻⁴ n, ठीक है, और जो यहाँ पे जो k की वैल्यू हो वो क्या हो, जो k की वैल्यू हो क्या होनी चाहिए, अगर किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिखिए k × 10⁻⁴ n, ठीक है, जो यहाँ पे k की वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए, वो k जो होना चाहिए 1, ठीक है, या 1 से अधिक हो, बट वो क्या होना चाहिए, वो 10 से कम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे क्या क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, सेकंड लिखा हुआ है 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10। इसको क्या करना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म माने के कुछ टाइप के, सपोज कर लो कि आपने खुद के जो नंबर लिखा वो k लिखा होता है, ठीक है, बट मेरे k होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1, ठीक है, और ये 10 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, बट ये k तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो फिर क्या करना होता है ना, आप यहां जाओ और इसमें पॉइंट लगा रहा है, ठीक है, कितना पॉइंट लगाएंगे देखो, अगर हम पॉइंट सपोज को यहां लगा दिया, अब देखो ये क्या लिखा 300 के, कुछ समय के लिए के नहीं मानते हैं, बट ये अब कितना दिख रहा है 350, और ये 0 मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो अभी जो के बना है वो क्या 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करो आप पॉइंट को अपने आप से अगर यहां लगा देते हैं, ठीक है, तो मेरा जो नंबर दिख रहा है के ही बना हुआ है, बट दिस मॉडल 3.5 और 3.5 और एक पूरा पूरा क्या लिखा है, 0 लिखा है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, इक्वल में लाके जो नंबर लिखा है आपका 3.5 लिखा है, जो k है ना अब क्या बन गया 3.5 बन गया, कितना बन गया 3.5, अब जो है 3.5 है यानी k है, और k देखो 1 और 10 के बीच में तो है ना, 3.5 है वो किसके बीच में, 1 और 10 के बीच में है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देख रहे कैसे बनाया हमने इसको, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या 3.5, अब देखो ये आपका k हो गया, फिर n2 हो गया, फिर यहाँ पे 10 होता है, और देखो यहाँ पे l दिया है ना, तो l क्या होता है, अब यहाँ से कितना पर जंप किए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, जब भी आप ना राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर आपका प्लस होते जाता है, 10 × 6 होते, 10 पावर क्या हो गया 6 हो गया। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही करना, क्या करना होता है, इस फॉर्म में लिखना होता है, अगर कोई इसको ऐसे लिख दे कि सर 35 × कितना पॉइंट जाओगे, अब तो 5 ही जाओगे, देखो इस फॉर्म में आपने लिख दिया k × 10⁻⁴ n टाइप का, ठीक है, बट यही तो आपका k है, और जो k है क्या 1 और 10 के बीच में है, लेकिन 35 है क्या 1 और 10 के बीच में आता है, तो ये जो आपने लिखा है इसको फॉलो कर रहा है, और जो सेकेंड कंडीशन है उसको फेस कर जा रहा है, यानी इसको आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा जितने भी क्वेश्चन दिए आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो, इसी क्वेश्चन नंबर देखिए 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, 6, 3, ये लिखा इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखोगे 4, 3, 4, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यदि कुछ टाइप के इसको किया मानो तो जो बहुत ज्यादा है ना, हम यहां से पॉइंट लगाना चाहते हैं, कहां पॉइंट लगाएंगे ताकि जो मेरा नंबर के दिखेगा।
लिया वो 1 और 10 के बीच में लाइन करेगा। अगर हम इस पॉइंट को यहां पर लगा दें तो यही तो पूरा वृत्त क्या दिख रहा है, क्या आएगा 4.63। 4.63 मतलब क्या होगा कि 4 जो है ना 1 से अधिक है और 10 से कम, यानी कि 1 और 10 के बीच में लाइन कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं क्या 4.63। देखो ये मेरा नंबर है, कोई 6 और 3 डेसिमल के बाद इसका कोई मतलब है, पर डेसिमल के बाद 0 के बाद कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली चाहे तो इसको हटा सकते हैं। अगर ये भी 0 होता तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मल्टीप्लाई यहां से कितना टाइम आया, डेसिमल कितना पॉइंट आया, 10 टाइम 0 है और दो नंबर ये इक्वल मिला के 10 को निकाल लिया, ये कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा है इसी का 6 वाले क्वेश्चन में, देखिए तो जल्दी से बता देते हैं क्या लिखा है। ये लिखा हुआ देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है, बट ये कंप्लीटली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी तो आपका k होता है ना, k इंटू 10^n टाइप का, बट ये तो आपका 345 दिया है, तो क्या करेंगे हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यही दो पॉइंट चले जाएंगे, क्या ले देंगे 3। देखो ये आपको क्वेश्चन है नहीं, सपोज करो ये नहीं दिया, ठीक है, इसको कैसे करो 3 और कितना देगा पावर, यहाँ पे 10^2 हो जाएगा, बट अलग से भी आपका पावर कितना दिया है 10^7 तो दिया हुआ है ना। देखो हमको सिर्फ इससे मतलब था ना, सिर्फ इतने वाले से, तो मैंने यहाँ से लेकर दो पॉइंट लगा दिया, ये के बन गया, ये क्या हो गया 3.45 इनटू क्या पावर ऑफ 2 हो जाएगा, बट बगल वाले को पहले का पावर कितना दिया है 10^7, तो क्या 3.45 इनटू, देखो दोनों का बेस सेम है ना, अब पता होगा 10^n हो इनटू क्या हो 10^m दिया होगा, तो पावर क्या करते हो प्लस करते हैं, जब बेस आपका सेम होता है तो यहाँ पे क्या होगा बेस आपका 10 दिया है और पावर आपका लगा दिया, ये होगा प्लस। क्वेश्चन सेकंड, जस्ट इसका रिवर्स लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है से, और आपको क्या करना है यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म लिखने का मतलब ये है, देखो यहां से लिखा है 3.74 इंटू 10^5 लिखा है, इसी को सॉल्व करना है, क्या लिखोगे 3.74 इंटू 10^5। अब देखो होगा क्या, यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर जो 10 लिखा होगा वो कितनी वाली लिखोगे 10^5 टाइम लिखोगे ना, फिर इसको क्या निकाल सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब सिंपली ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहां से देखो यहाँ पर डेसिमल कितना दिया है, दो नंबर के पास डेसिमल दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 0 क्या होता है, डेसिमल हटाने भी खत्म हो जाएगा, इसकी की वैल्यू आएगी उतनी आ जाएगी, ये पूरा मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, ये जब भी आपका 0 आता है इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करना आपको मिलेगा 3.74 मिल जाएगा, उसके बाद इतना सारा 0 मिल जाएगा। ठीक है, बट आपके क्वेश्चन में पॉइंट कितने नंबर पास है, 2 आपका पॉइंट देना होता है। ठीक है, आप चाहोगे तो उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, वही मैंने बोला है यहाँ का 2 0 क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाने भी खत्म हो जाएगा और 3 0 बचे 3 0 लगा देगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन से फिर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप पूरा कर पाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि मास ऑफ बर्ड 5.97 इंटू 10^24 किलो केजी एंड मास ऑफ मून 7.35 इंटू 10^22 केजी, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, इन दोनों का मास दिया हुआ है और बता रहा है कि दोनों का सम कितना हो जाएगा। ठीक है,
करेंगे हम लोग, वो प्लस तो करेंगे, बट देखो यहाँ पे जो मास दिया है ना, इसकी पावर में लिखा 10^24 और उसके वाले मास में क्या लिखा 10^22। तो इन दोनों को मुझे इक्वल करना होगा। इसमें कैसे इक्वल करना होगा, क्योंकि अनलाइक टर्म के फॉर्म में दिए हुए हैं ना। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर दिया आपका 1 kg और क्या दिया है, और मास ऑफ लोन दिया आपका कितना 7.35 kg।5 kg 97 y 2 kg
इतने सेल, ठीक है। इतना केल किया, और देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ क्योंकि यही तो मेरा चेन है और इससे 100 दिया है तो क्वालिटी यहां से क्या करेगा, यहां से जाकर अब यहां हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.0435 इंटू यहां तक कितना इस पॉइंट से कितना तक की हो 2 पावर और लगा देंगे यहां पे 10^2 और पहले कितना दिया था 10^24 ये भी आर बन जाएगा 6.0435 इंटू 10^24। ऐसा सही था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.006। एक क्वेश्चन बताइए ध्यान से देखना, 0.00 ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए मान लो कि ये आपका के है, पर देखिए जो के है ये 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, पर जो के होना चाहिए 1 और 10 के बीच में लाइन करना चाहिए, बहुत ही छोटा है। तो अब क्या करना होगा, इस पॉइंट को इधर लेकर जाना होगा, क्योंकि मैं अगर डिफरेंस बनेगा बड़ा बनेगा तो ये ऐसे करते करते यहां लग जाएगा। नंबर कितना ले जाए पॉइंट यही काम करती है बता, बट पॉइंट इसका मतलब क्या होगा, वो अभी भी 1 से कम है, तो क्या करेंगे एक पॉइंट और इधर यानी कि यहां लेकर। अगर पॉइंट जो यहां पर हुआ करता था देखो यहां से ये खुद के पॉइंट आपका यहां पर, ठीक है, यानी क्या ये आपका बन गया कितना, वो 6 बन गया, ठीक है। और इसके बाद से देखो इस पॉइंट का कोई मतलब भी तो नहीं है क्योंकि 6 पॉइंट अभी भी 6 लिखा हुआ है और पॉइंट नहीं भी लगा दे तब भी क्या लिखा हुआ 6 लिखा है, फिर आप 5 देते हो पॉइंट आपका यहां। अब देखो हुआ है क्या, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे ना तो पावर आपका प्लस के फॉर्म में बनता है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो जो पावर है वो क्या बनता है माइनस के साथ बनता है, ठीक है, ये बन जाएगा 6 × 5। और यहां देखो कितना पॉइंट गए हो, कितना प्लेस गए हो, देखो पॉइंट ऑफ क्या होता है 1, 2, 3, 4, यहां पावर हो जाएगा 4 बट माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब ये होता है कि जो नंबर बहुत 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 छोटा हो या फिर बहुत बहुत बड़ा हो उसको इजी तरीके से लिखना, टाइम लिखने में कम लगे, जगह भी कम से कम कवर करे। तो इसको इस फॉर्म लिखने का क्या मतलब होगा, जब मैं जगह ही नहीं करूंगा टाइम उतना ही लग रहा है, इसका मतलब होगा कि इस वीडियो को मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरह जीरो से बस नहीं देखा इस फॉर्म में लिख रहे थे नहीं आया था हम क्वेश्चन था 6.3 या फिर करके 10 लिखा हुआ था, हमें जीरो को चीज से क्या मतलब मिलता है, इसी को हमें पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि इतनी जगह लिखने अच्छा है कि थोड़ा सा जगह लिखने मेरा काम भी चल जाएगा, मुझे क्या 10 बार लिखने में मुझे पता कितना पावर थी कितना मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से जीरो हटा देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बस मारा था कि जब हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर ऑफ पर्सन मिलेगा माइनस होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो वैल्यू होती है ना ये जो वैल्यू दिया हुआ ये 1 और 10 के बीच में अप्लाई करनी चाहिए। दिया ना तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 10^6
आपको पता है कि जब ये नंबर ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, 10^-6। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की गई थी तो यहाँ पर लिख देता ये 1 है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप क्योंकि जब ये ऊपर जाता है नंबर सिक्स होता है ए टू डी पावर एन दिया है, तो जब ये नीचे जाता है तो माइनस बन जाता है, यानी ऊपर में जाके अगर नीचे माइनस दिया तो ऊपर जाने के बाद पावर क्या होता है, प्लस रहता है, और नीचे अगर आपको प्लस दिया तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वो माइनस होता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी जो क्वेश्चन दिया आपको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट लिखा है, देखो ये -5 का लिखा है। अब ये देखिए 10^5 टाइम ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये लिखोगे 10^2.06 मल्टीप्लाई बाय ये 1/10, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कुल मिला के 10^5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के 0.6 और 1/4 इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम ये 0, ठीक है। और मुझे क्या करना है, डेसिमल में लिखा डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है, तो क्या करेंगे आप, देखो जो मेरे नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो ऑलरेडी पॉइंट में लगा हुआ है, तो यहां से सिंपली देखो मेरे पास जो भी नंबर दिया है, मैंने बताया जो भी नंबर दिया होगा उसको पॉइंट के हटा था, पॉइंट के हटा नहीं, ठीक है। अब देखो यहां कुछ नहीं रहना, मेरे पास जो नंबर आप यूज नहीं थे 1, 2, 3, 4, 5 और रियलिटी में जो मेरे पास नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है 1 है ना, ये देखिए ये तो अनएक्सपेक्टेड का पॉइंट लगा हुआ है। अब उसको देख करके पॉइंट के आपको इस साइड जाएगा कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, ठीक है। हम 0 कितना दिया है 5 के लिए दिया, तो ऐसे ही समझना है, टेन पॉइंट को रिमूव कर, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 10 से यहाँ पे, ये कुल कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब जो नंबर दिया हुआ है 206 उसको वैसे के वैसे लिख दो, अब देखो 0 कितना दिया हुआ है 7 टाइम दिया है, तो यहाँ भी जो मेरा नंबर होना चाहिए वो डेसिमल 7 नंबर के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 नंबर दिया है